मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 237 केंद्रों पर कुल 30,286 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,576 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 23,710 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक 36,80,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने बताया कि अब तक फर्स्ट डोज लेने वालों में 24,50,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,30,000 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी सरकारी अस्पताल, महिला व पुरुष जिला अस्पताल पर निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, वे अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना के नए वेरिएंट बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाएं तथा 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि हम अपने जनपद को इस बीमारी से बचा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कौन सा इसमें नंबर है? यही होता है 9-8-3-6-3। आज हमारे जनपद में 237 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 36,80,000 से ज़्यादा डोजेज लगा चुके हैं, उसमें से 24,50,000 फर्स्ट डोज और 12,30,000 सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी तक हमारे जनपद में अभी काफ़ी लोग वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं। बहुत सारे लोग एक भी टीका नहीं लगवाए हैं। तो हमें लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने अभी टीकाकरण नहीं कराया है, वो हमारे सेंटरों पर आएँ और अपना टीकाकरण करा लें। हमारे सभी सेंटरों पर, सरकारी अस्पतालों पर टीकाकरण मुफ्त में चल रहा है और टीका बहुत ही सुरक्षित है। आज ज़्यादा टीका हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लोग आएँ अपना टीकाकरण कराएं। सर, नया वेरिएंट आने वाला सुनाई दे रहा है, इस पर क्या? नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, वो उसका शासनादेश आ गया, कुछ के लोगों को उससे प्रति सावधानी बरतनी है। सावधानी में मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ही ना जाएं। शादी व्यवहार में बाहर से आने वाले लोगों से या किसी अन्य लोगों से भी दूरी बना के रखें, जिससे कि संक्रमण फैलने से को रोका जा सके। अभी तक हमारे ज़िले में कोई भी संक्रमित नहीं है, फिर भी हमें सावधानी बरतनी है और टीका अवश्य लगाएं। टीके से और सावधानी से ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। साथ साथ मैं गर्भवती महिलाओं से भी अपील करता हूं और धात्री महिलाओं से भी अपील करता हूं कि वो भी कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं। टीका बिल्कुल ही सुरक्षित है, बच्चे के लिए भी सुरक्षित है, बच्चा भी इम्यूनाइज हो जाता है। तो सभी लोग अपना टीकाकरण हमारे अस्पतालों में आकर के अवश्य कराएं।